देखने को मिलता है। स्कूल तो आते हैं हम पढ़ने के लिए, पर हमारा जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य से हम भटक जाते हैं, ये काम नहीं करना है। मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा, विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप से सवाल करिए, किसी और से नहीं। अपने आप से केवल एक सवाल करिए कि हम जिस काम को करने के लिए स्कूल में आए, हम जिस काम को करने के लिए स्कूल में हमने एडमिशन लिया है, क्या हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं वो काम, मतलब आप पढ़ने के लिए आए, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, करने की कोशिश करिए। और विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल नहीं है, ये सीनियर स्कूल है, और जिस हिसाब से सीनियर स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हमारे यहाँ पर नहीं है। सुविधाओं का कमी है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ठीक इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर कमी नहीं, बहुत कमी है। शिक्षकों की भी बहुत कमी है, तो इस स्थिति में भी विद्यालय परिवार सब मिलजुल कर काम कर रहा है, और हमारे गांव के जो भी विद्यार्थी या फिर आसपास के जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दे रहा है, रिजल्ट अच्छा रह रहा है। इसके लिए हमें समस्त ग्रामवासियों को, विद्यालय के जितने भी हमारे शिक्षक जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए। और मैं आगे की बात एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, हमारी 12वीं तक तो यहाँ हो जाएगी पढ़ाई, पर हमारे स्थानीय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको विज्ञान पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में साइंस का विद्यालय नहीं है। विद्यालय जो फरासिया में जो सीनियर स्कूल है वहाँ पर विज्ञान चलती है, पर वहाँ पर यहाँ से जो 10वीं पास करके वहाँ जाएगा उसको एडमिशन मिलने में दिक्कत आती है, एडमिशन नहीं मिलता है। उसका कारण है कि वो स्कूल का वो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो गया है, पहले हिंदी माध्यम में चलता था, अभी अंग्रेजी मीडियम चलता है। तो जो बच्चा कक्षा 1 से लगा करके 10 तक हिंदी माध्यम में पढ़ेगा, और फिर जैसे ही 11 में जाएगा वो अंग्रेजी पढ़ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी अनिवार्य जो सब्जेक्ट होता है वो सबको पढ़ना रहता है, पर सारी विषय इंग्लिश में पढ़ना उसके लिए संभव नहीं रहता है। तो हमारे जो यहाँ पर गाँव के जो प्रतिनिधि बैठे थे वो अभी उपस्थित नहीं है, इसका बात का भी मुझे दुख है, पर मैं चाहूँगा कि इसके पर भी कोई ध्यान देगा। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि हमारा 12वीं जैसे जैसे माना कि पास कर भी लिए, पर उसके बाद हम कॉलेज करना चाहेंगे तो उसके लिए कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट सरकारी जो महाविद्यालय होता है वो नहीं है, उसका अभाव है। जाडोल में है, प्लासिया में हमारा सरकारी विद्यालय महाविद्यालय नहीं है, और उसके बाद अगर विज्ञान में कोई करना चाहे तो उसके लिए तो जाडोल में भी सुविधा नहीं है। इस बात पर सभी ग्रामवासियों को मिलकर सोचने और समझने की जरूरत है। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज इतना समय नहीं है कि सारी बात आज की जा सके, समय बहुत कम है। मैं समझ सकता हूँ कि सारे जो यहाँ पर लोग आए हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, बैठने के लिए पर्याप्त जो जगह होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं ग्रामवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो भी हमारे मुख्य कमेटी सरपंच साहब और वार्ड पंच जो भी है वो मिल करके तय करें कि एक दिन गाँव की स्कूल की समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग से मीटिंग रखी जाए, और उस सारी बातों को जो जो समस्या है उन सबका निराकरण किया जाए, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है उस बात को उसमें तय किया जाए, और जितना जल्दी हो सके हमारे फरासिया क्षेत्र में साइंस कॉलेज होना चाहिए। और वर्तमान में जो अभी बजट पारित हुआ उसमें एक हमारे कन्या महाविद्यालय बनेगा फरासिया में, तो बड़े खुशी की बात है। इसके लिए हमें सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए, पर मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि उस विद्यालय में साइंस आर्ट और कॉमर्स तीनों संकाय लागू किए जाए, ताकि हमारे यहाँ के जो आदिवासी बाल क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले वो सभी है, जो साइंस पढ़ना चाहे विज्ञान पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सके और आर्ट भी पढ़ सके, ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो निश्चित ही हमारे यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर भी जाएंगे, और हमें ये बात पर ध्यान
से कोई बड़े बड़े पद पर नहीं गए, शिक्षक तो बन गए, अब कोई बनना नहीं चाहता उसके लिए आगे के रास्ते बंद हो जाते। और मैं आपको एक लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा, 11 अगस्त को NDC भर्ती परीक्षा जो हुई थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक भर्ती परीक्षा होती है, NDC भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है वो भी इस बुक को समझ सकता है, या फिर जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब हासिल करिए वो भी इसको समझ सकता है। उसमें हुआ ये है, सबसे पहले कोई परीक्षा आयोजित होता है जो उसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम पारित होता है, उस पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाते हैं। पर 11 अगस्त को NDC का जो पेपर हुआ था उसमें एक नहीं दो नहीं 40 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न है जो आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि उन्होंने जो सिलेबस पारित किया था, जो पाठ्यक्रम किया था कि हम यहाँ से प्रश्न देंगे। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड को मैं यहाँ से सीधा चैलेंज करना चाहूँगा कि उन्होंने जो सिलेबस दिया था कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे, उस सिलेबस से हट करके एक नहीं दो नहीं 40 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जो सिलेबस से बाहर है। और इस बात पर ना तो कोई हमारे राजनेता इस बात को ध्यान में ला रहे हैं और न ही कोई कोचिंग संस्थान वाला ध्यान में ला रहा है। अब राखी का पर्व आ रहा है, बड़े बड़े कोचिंग वाले ये वादा कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस का हम ऑफर देते हैं 90% जो पाठ्यक्रम सिलेबस हम करवाएंगे उसमें 90% ऑफर देंगे। कोई कह रहा मैं 75% ऑफर दूंगा, हमें आपका ऑफर नहीं चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 41 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस ये है उसके लिए क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर्जाना भरेगा। और एक बात सबको ध्यान होगी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा स्टार्ट होने से पहले परीक्षा केंद्र के गेट में अगर 1 घंटा पूर्व से भी 1 मिनट लेट हो जाता है तो उसको गेट में घुसने नहीं दिया जाता है। जो एग्जाम देता है उसको मालूम है, एग्जाम की तैयारी ऐसे नहीं होती, उसके लिए कमरे में बंद रहना पड़ता है, दुनिया से दूर रहना पड़ता है, गांव से दूर रहना पड़ता है, घर के सभी सदस्यों से दूर रहना पड़ता है। तो इस बात को कोई नहीं उठा रहा है, ना कोई कोचिंग वाला बात कर रहा है, ना कोई राजनेता बात कर रहा है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि इस सारी जो समस्या हमारे शिक्षा से संबंधित, इस पर समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक दिन अलग से निकाल कर हमारे स्कूल और उच्च शिक्षा जो है उसके लिए सारी जो समस्या है उसका समाधान के लिए अलग से मीटिंग रखी जाए। और तो मैं ये बड़े हौसले के साथ कहना चाहूँगी कि आप दुखी मत होइए, आप इसलिए दुखी मत होइए कि हम सरकारी में पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिला। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो अन्य किसी स्कूल में मिलती ही नहीं है, क्योंकि मैं सरकारी में भी पढ़ा हूँ और प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ, मैंने सरकारी को भी करीब से देखा है और प्राइवेट को भी करीब से देखा है। हाँ जरूर हमारे पास सुविधाओं की कमी है, पर जो भी शिक्षक है वो हमें पढ़ाएगा वो हमें कभी गलत नहीं पढ़ाएगा, पर सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाएगा वो ही आपके आगे काम आने वाला है। प्राइवेट स्कूल में बड़े खुश हो रहे हैं हमें लोग, जो जो विद्यार्थी या फिर जो जो अभिभावक अपने अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे वो बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि देखो ये सरकारी में जा रहा है, आज छुट्टी को इधर बैठा रहता है और पूरी छुट्टी अभी वापस घर आ जाता है, क्या ही है पड़ेगा। पर मैं प्राइवेट की हकीकत आपको बताना चाहूँगा कि उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप मोटी फीस दे रहे हैं, वहाँ पर मोटी रकम दे रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, पर एक बार आपने क्या पता किया है कि वहाँ पर आपके बच्चे को पढ़ा कौन रहा है। लेकिन हम जितने भी प्राइवेट अपने राजा क्षेत्र के जो स्कूल है वहाँ पर ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो केवल 12वीं पास है और जो ट्रेनिंग कर ली है, जिसने BEd कर लिया है, BSc कर लिया है, वो ही स्कूल में पढ़ा सकता है, केवल 12वीं पास स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। स्कूल में पढ़ाने के लिए हमें पूरा ट्रेनिंग करना पड़ता है, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो ट्रेनिंग करा है वो वहाँ पर जाएगा तो उसको थोड़ा पैसा भी बचेगा, पेमेंट भी तो सैलरी भी अच्छी मांग करेगा, पर उसको वहाँ पर इसलिए नहीं बुला जाता क्योंकि वो जाएगा तो थोड़ी मोटी रकम मांगेगा, पर जो केवल 12वीं पास करके आया है वो 2-3 हज़ार या 4 हज़ार 5 हज़ार में आपके वहाँ पढ़ा करके चला जाएगा, मंथली जो सैलरी जो लेगा 3-4 में लेके चला जाएगा। अब कोई कहेगा कि ये कम में क्यों नहीं पढ़ा सकता, ये भी तो कहेगा कोई कम में क्यों नहीं पढ़ा सकता, तो ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ कि कम में इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि BEd जो होता है वो BSc नहीं होता, उसके लिए भी फीस लगती है, घर से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अपने क्षेत्र में केवल जाडो में एक ही BEd खोले हैं और एक छात्रा जो प्रशिक्षण है वो संस्था नहीं खोले,
साल तक बाहर रहना पड़ता है, कितना पड़ता है, उसके लिए भी मोटा पैसा खर्च होता है। अब बात ये भी आती है कि सरकार छात्रवृत्ति में तो देती है, एक साल की 26,000 कम से कम छात्रवृत्ति आती थी, तो उससे भी जो खर्चा निकल सकता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मेरा खुद का जो बी एड है वो कम्प्लीट 2023 में हो चुका है। मेरे बी एड को कम्प्लीट हुए एक साल से ऊपर का समय हो चुका है, पर 2 साल की छात्रवृत्ति मेरे आज तक नहीं आई है। मैं कम से कम 3 या 4 बार समाज कल्याण विभाग में भी जा चुका हूँ, वहाँ पर एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास बजट नहीं है। बस केवल एक ही हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास बजट नहीं है। और छात्रवृत्ति इसलिए दी जाती है क्योंकि घर से दूर रहेंगे तो खर्चा भी तो होगा, हम आर्थिक स्थिति से कमजोर है इसलिए हमको छात्रवृत्ति दी जाती है। और उस छात्रवृत्ति से हम क्या कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, बाहर का जो खर्चा है उसका वहन कर सकते हैं। पर बात यह है कि अगर मैंने 2 साल का पैसा ब्याज पर लिया है तो अगर मेरी माँ का, बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि पैसा निकालने के लिए ब्याज पर लेना पड़ता है, अपनी माँ के गहने तक गिरवी रखना पड़ता है, पर 2 साल तो इंतजार करते करते अपनी माँ के गहने जो होंगे वो भी जो पूंजीपति है उसके पास समाप्त हो जाएंगे, जो पैसा निकला है उससे ज़्यादा वो ब्याज लगा लें। तो मैं समस्त ग्रामवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज सारी बातें नहीं हो सकती है, समय बहुत कम है, बच्चे परेशान है, जो भी हमारे यहाँ से देखने के लिए गलत लोग आए वो भी बड़े परेशान है। मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ पर 1 घंटा भी लगातार बैठना बड़ा कठिन है। तो मैं मेरी बात को समाप्त करते हुए सभी सोम के ग्रामवासियों को मौखिक कमेटी वार्डपंच सरपंच लगा करके प्रत्येक गाँव के सदस्य से यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्या है उन समस्या का समाधान करने के लिए एक दिन तय किया जाए, और कि हम जल्दी से जल्दी अगर ये काम हो जाता है तो निश्चित ही हमारे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सबको जय हिंद, जय भारत।